आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोना स्टडी द प्रेसिडेंट्स इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट हमारा रहने वाला है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाना। इस चीज को याद रखिएगा दैट प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है उसे हम इंपीचमेंट कहते हैं। कई बार जजेस के रिमूवल को भी हम लोग इंपीचमेंट कह देते हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है क्योंकि जजेस के रिमूवल को सिर्फ रिमूवल ही कहा जाता है। दो रीजन है इसके, क्योंकि इंपीचमेंट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है जो प्रेसिडेंट के लिए होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए सिर्फ रिमूवल वर्ड यूज किया गया है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है दैट जब हम लोग रिमूवल की बात करते हैं तो उसमें हम स्पेशल मेजोरिटी यूज करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी मतलब दोनों हाउसेस का, लोकसभा और राज्यसभा का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग टोटल मेंबर का 2/3 की बात करते हैं। तो इस वजह से प्रेसिडेंट के रिमूवल को इंपीचमेंट कहा जाता है और जजेस के रिमूवल को सिर्फ रिमूवल कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें यह देखना है कि प्रेसिडेंट को अगर हम इंपीच कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन उसका होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दैट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि President has to follow the advice given by the Prime Minister and by the Council of Minister. इसके अलावा दूसरे और protocols होते हैं, अगर President ने वो protocols follow नहीं किए या फिर President पे किसी तरीके के charges लगते हैं वगैरह वगैरह, और आगे चलकर बात बढ़ती है, so impeachment की process कहीं ना कहीं उससे connect हो सकती है। तो चलिए हम लोग अब इसकी इंपीचमेंट की प्रोसेस देखते हैं। इंपीचमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंपीचमेंट के लिए सबसे पहले एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। ये जो इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन है प्रेसिडेंट का, वो या तो आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं या तो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं। ये रिजोल्यूशन लाने के लिए जरूरी ये है कि लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी आप रिजोल्यूशन ला रहे हैं उसके टोटल मेंबर का 1/4 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में ये रिजोल्यूशन लाया जा रहा है तो 543 के 1/4 मेंबर्स चाहिए 25%, या तो अगर आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो 245 मेंबर्स के 1/4 यानी कि 25% का रिजोल्यूशन सपोर्ट यहां पर चाहिए होता है। अगर ये एक बार रिजोल्यूशन दे दिया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में तो उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन है इसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज का नोटिफिकेशन दिया जाता है ताकि प्रेसिडेंट भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, अपनी बात रख सके। प्रेसिडेंट को जब ये मौका दे दिया जाता है उसके बाद हम लोग चलते हैं उनकी इंपीचमेंट की वोटिंग पर। अब इंपीचमेंट की जो वोटिंग होती है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो टोटल मेजोरिटी है उसका जो बेसिकली 2/3 होता है टोटल मेंबरशिप का। आई एम सो सॉरी, यहां पर मेजोरिटी नहीं आना चाहिए, यहां पर मेंबरशिप वुड बी अ बेटर वर्ड। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो टोटल मेंबरशिप होती है उसका जो 2/3 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल मेंबर का 2/3 इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल 543 का 2/3 एंड 245 का 2/3 जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अगर ये इंपीचमेंट वोटिंग हो जाती है तो प्रेसिडेंट को उसी वक्त इंपीच्ड माना जाता है। एट दैट वेरी पॉइंट जो प्रेसिडेंट है वो इंपीच्ड हो जाता है। यहां पर एक चीज हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो किस तरीके से आती है और उसमें इंपीचमेंट प्रोसेस भी होता है। प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है एक तो हमारे इंपीचमेंट प्रोसेस से भी आ सकती है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसके अलावा अगर जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर देते हैं या फिर प्रेसिडेंट का जो टेन्युअर है वो खत्म हो जाता है या फिर जो प्रेसिडेंट है अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई अदर रीजन की वजह से, तो यहां पर ये देखने की कोशिश करिए कि ये जो इंपीचमेंट वाला प्रोसेस है वो सडन प्रोसेस है। मतलब ठीक है हमें पता है कि इंपीचमेंट चल रहा है लेकिन इंपीचमेंट होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, सो इट शुड बी अ सडन थिंग फॉर अस। डेथ और रिजाइन भी एक सडन चीज है और कोई अगर अदर रीजन हो गया तो वो भी एक सडन चीज है, लेकिन सिर्फ जो टेन्युअर है वो इकलौता ऐसा रीजन होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी का जो प्री प्लान्ड होता है। तो अगर किसी भी सडन रीजन से प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो तो वैकेंट हो गई यहां पर। तो व्हाट वी डू इज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं उन्हें हम
एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें हम एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है सडन वैकेंसीज में, तो वाइस प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होना बहुत जरूरी है, राइट। वाइस प्रेसिडेंट जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं उनके 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन हो जाते हैं। जहां तक बात रही टेन्योर की, तो हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो खत्म होने ही वाला है, तो इससे पहले कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो हम नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा देते हैं। जैसे ही करंट प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होता है उसी दिन या उसके अगले दिन, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, जो नए प्रेसिडेंट है वो पोस्ट पर आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रेसिडेंट के लेक्चर का दूसरा पार्ट था। पहले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन और उनके इलेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने उनकी इंपीचमेंट और उनकी वैकेंसी के सिचुएशन के बारे में पढ़ा है। अगर आप इस तरीके के नोटिफिकेशन और पॉलिटी और दूसरे सब्जेक्ट के और नोटिफिकेशन चाहते हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब चहल अकेडमी। करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए यू कैन विजिट आवर चहल अकेडमी वेबसाइट, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल, प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, इंडियन एक्सप्रेस, योजना कुरुक्षेत्र, सारा आपको रिसोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर योर डिटेल्ड प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट चहल अकेडमी डेली ब्रांच, विच इज बेसिकली द हेड ब्रांच ऑफ आर अकेडमी। रेस्ट वी हैव 24 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।